आपका नाम? जी सांची। और आपका? जी आर्यन। ग्रेजुएशन पूरी हो गई आपकी? तुम जैसे भूंदू राम को पहचानने में पीएचडी कर चुकी हूँ मैं। हाँ जी, आप बिजनेस करते हैं अपने पापा के साथ? हाँ जी। चाय लेंगे? हाँ जी। शक्कर कितने चम्मच? तुम्हारी शुगर ही बातों से वैसे ही डायबिटीज हो गया। नो शुगर प्लीज। थैंक यू। तुम जैसे अमोल पालेकर से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कुवारी मर जाऊं। इस गाय के साथ जिंदगी भर खुंटे से बंधे रहने से अच्छा कि मैं सुसाइड कर लूं। यार ये भी कोई बात होती है, लड़के वालों के सामने ये मत करो, लड़के वालों के सामने वो मत करो। उस भोंदू राम की वजह से ना बलम पिचकारी की जगह मैया यशोदा इस पे डांस करना पड़ रहा है। एक बार खुली छूट मिल जाए ना तो स्टेज पे आग लगा दूंगी मैं, आग। अच्छा तो ये बात है, तुम दिखती सिर्फ मिर्ची की डाली हो। नहीं जी। लेकिन हो पूरी तीखी मिर्ची। नहीं जी। तो चलो आग लगाते स्टेज पे। हाँ? साथ मिलके। अच्छा तो तुम भी हां जी ना जी टाइप के नहीं हो? पार्टनर। पार्टनर ऑन स्टेज। हिवड़ी की झनकार सुन लो, भारी ही की पुकार, मन हो मेला क्यों प्यार, भारी हिवड़ी की झनकार। अच्छा मिस्टर पार्टनर, अगर तुम्हें किसी से प्यार होता, अगर तुम लव मैरिज कर रहे होते तो कैसी लड़की से प्यार करते? यार प्यार होना होता है तो हो जाता है, मतलब इसे डिसाइड करके ना थोड़ी प्यार होता है। अगर दीपिका पादुकोण मिलेगी तो ही मैं प्यार करूंगा। अच्छा तुम्हें दीपिका अच्छी लगती है? क्यों? सारी हीरोइंस में से तुमने दीपिका का नाम क्यों लिया? वो तो बस ऐसे ही एग्जांपल दे रहा था। ही क्यों लेके? एक मिनट, हमारी शादी अभी हुई नहीं है। हाँ तो यू वाइफ की तरह बिहेव करना बंद करो यार। अच्छा तो चलो मुझे ये बताओ, तुम्हारी लाइफ में वाइफ की क्या वैल्यू है? वाइफ वाइफ होती है, अब म्यूचुअल फंड थोड़ी कि उसकी कोई वैल्यू हो। अच्छा तो तुम्हारी लाइफ में वाइफ की कोई वैल्यू नहीं है और तुम शादी करना चाहते हो? तुम्हें पता है मेरे पापा की लाइफ में मेरी मम्मी की कितनी वैल्यू है? मेरी मम्मी का नाम लिए बिना ना उनका दिन शुरू नहीं होता है। हाँ मेरे पापा भी मेरे मम्मी से बहुत प्यार करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सुबह उठते ही नाम जपना शुरू करे। मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ किचन में पकौड़े तलते हैं अपने हाथों से। मेरे पापा मेरे मम्मी को आइसक्रीम खिलाते हैं अपने हाथों से, लेकिन सबसे छुपके। अच्छा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पेरेंट्स या फिर लाइफ पार्टनर, वाइफ? जवाब दो। अगर मैं कहूं वाइफ तो कुछ देर के लिए तुम्हें अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? क्योंकि मैं जानता हूं
तुम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करती हो, और जो अपने माँ बाप की वैल्यू समझता है उसके लिए दूसरे के माँ बाप भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ना समझ चुके हो मुझे। वाइफ और वाईफाई में क्या कॉमन है पता है तुम्हें? क्या? एक छत के नीचे अलग अलग कमरों में रहने वाले हर एक रिश्ते को जोड़ के रखती है। तुम मुझे वाईफाई कह रहे हो? और उसका पासवर्ड? क्या पासवर्ड? मोहब्बत। झनकार सुन लो भारे जी की पुकार, भारे होने ना क्यों प्यार, मारे हिवड़े की झनकार, मारे हिवड़े की झनकार सुन लो भारे जी की पुकार, मारे होने ना क्यों प्यार, भारे हिवड़े की हमारे दोनों परिवारों के बीच नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि हम कहीं दूर जाकर अपना घर नहीं बसा सकते। दूर कहाँ? घोंसला बनाने के लिए सिर्फ तिनकों की जरूरत नहीं होती साची, एक डाली की भी जरूरत होती है, और उस डाली का नाम परिवार है। जरा सोचो, अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो हमारे घर वालों पर क्या बीतेगी? अपने अपनों की खुशी के लिए हमें अलग होना ही होगा साची। एक तरीका हमारे साथ रहने का। वो क्या? याद है जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तुम्हारे पापा ने एक दूसरे से क्या कहा था? मेरी सांची अब आपकी हुई, मेरा आर्यन अब आपका हुआ। बस उनकी इसी पवित्र से सौदे को हमें निभाना है, हमारी साझेदारी से बड़ों के झगड़ों को मिटाना है। पार्टनर? पार्टनर फलाई।